नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपको किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है तो अलॉटमेंट मिलने के बाद में शेयरों को सेल कैसे किया जाता है एंड दोस्तों सेल करने से पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एंड आपको लॉस होने के चांसेस है वो कम से कम हो सके। तो ये प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास में कोई सा भी डीमैट अकाउंट है, किसी भी डीमैट अकाउंट में आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ है तो आपको आईपीओ को सेल करने से पहले लिस्ट डेट को आपको ध्यान में रखना है कि आईपीओ की लिस्टिंग कब है। अगर आपको किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग नहीं पता है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो भी आपने आईपीओ में अप्लाई किया है उसमें अलॉटमेंट मिला है उसकी आप लोग लिस्टिंग डेट है वो पता कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट वाले दिन दोस्तों आपको 9:45 पे आप लोग देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा आपका जो पोर्टफोलियो है, जो भी आपका डीमैट अकाउंट है उसमें आप लोग पोर्टफोलियो में आओगे। जैसे कि हमारे पास में जीरोधा काइट है तो इसमें मैंने यहां पे पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप लोग देखोगे दोस्तों पोर्टफोलियो में आपको शेयर क्रेडिट हुए मिलेंगे और आपको लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी कि 9:45 पे सुबह के 9:45 पे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो आईपीओ है दोस्तों अलॉटमेंट हुआ है, शेयर हमारे को क्रेडिट हुए हैं तो हमारे को कितने परसेंट पे यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल रही है। जैसे कि आप लोग देखेंगे दोस्तों हमारे केस में हमारे को यहाँ पे जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड में अलॉटमेंट मिला है और हमारे को यहाँ पे जो लिस्टिंग देखने को मिल रही है 32% के आसपास में लिस्टिंग देखने को मिल रही है। तो आप लोग यहाँ पे 9:45 पे लिस्टिंग है वो चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए दोस्तों आईपीओ का प्राइस कब रन होना स्टार्ट होगा, जैसे ही मार्केट 10 बजता है तो 10 बजते ही मार्केट में आईपीओ का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले आपको एक काम कर लेना है दोस्तों, आपको अपने शेयरों को वेरीफाई कर लेना है, ऑथोराइजेशन कर लेना है। तो इसके लिए दोस्तों जो भी आपके पास में डीमैट अकाउंट है जैसे कि एंजल है तो आपको देखिए अपने पोर्टफोलियो में आपको वेरीफाई टू सेल मिलेगा, ग्रो आपके पास में है तो उसमें वेरीफाई टू होल्डिंग्स जो भी आपका पोर्टफोलियो है शेयर है उनके नीचे मिलेगा। जैसे कि हमारे पास में जीरोधा का अकाउंट है तो जीरोधा में आपको देखिए ऑथोराइजेशन का ऑप्शन मिलेगा नीचे की साइड में, तो आप लोग इस पर क्लिक करके और शेयरों को सबसे पहले वेरीफाई कर लेंगे। जैसे कि हम लोग ऑथोराइजेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद में दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू टू सीडीएल सेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको पता होगा दोस्तों जब भी आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो आपको एक टीपिन सेंड किया गया है सीडीएसएल की तरफ से, तो वो टीपिन आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप लोग टीपिन भूल गए हैं तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, नया टीपिन जनरेट कर सकते हैं, क्लिक हर टू जनरेट पिन, इस पर आप लोग नीचे में क्लिक करेंगे तो आपको देखिए एक BOID एंड आपका पेन नंबर पूछा जाएगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे दोस्तों नया टीपिन जनरेट करने के लिए BOID पूछा गया है एंड पेन कार्ड नंबर पूछा गया है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे एंटर करोगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया जाएगा तो आपको एक टीपिन भी सेंड किया जाएगा। उस टीपिन को दोस्तों आप लोग है वो यहाँ पे एंटर टीपिन वाले ऑप्शन में फिर से आप लोग एंटर करके और आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे कि हम लोग अपने शेयरों को वेरीफाई करते हैं दोस्तों, आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो भी आप लोग टीपिन बनाते हैं नया टीपिन उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। जब तक आप लोग नया टीपिन नहीं बनाओगे तब तक आप लोग पुराना टीपिन है वो यूज़ कर सकते हैं, तो आपको वेरीफाई कर लेना है ताकि आप लोग इंस्टेंट अपने शेयरों को सेल कर सको। क्योंकि दोस्तों मार्केट जब भी आप 10 बजे लिस्टिंग होती है किसी भी आईपीओ की तो लिस्टिंग के समय मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तेज़ी से अगर नीचे गिरता है और आप लोग शेयरों को सेल करोगे तो आपको पहले टीपिन पूछा जाएगा, वेरीफाई करने को बोला जाएगा तो उसमें आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो सकता है, तो इसलिए आप लोग सबसे पहले टीपिन वेरिफिकेशन है वो कर लीजिएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे टीपिन वेरिफिकेशन यहाँ पे एंटर करेंगे टीपिन एंड उसके बाद में नीचे में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को एंटर कर देना है, वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्क्रीन पे ऑथोराइजेशन डन, यू कैन नाउ एग्जीक्यूट द सेल ट्रांजेक्शन, यानी आपका यहाँ पे शेयरों का जो ऑथोराइजेशन है वेरीफाई है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही मार्केट में देखिए दोस्तों ये शेयर रन करना स्टार्ट करता है, जैसे 10 बजते ये शेयर है वो ऊपर नीचे स्टार्ट हो जाएगा, यानी प्राइस अप डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद में तुरंत आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखिए ओके पे क्लिक करेंगे तुरंत आप लोग सेल करते हैं तो आप लोग यहाँ
यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी शेयर है उस पर क्लिक करेंगे, एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो तुरंत आप लोग यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस को यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद में आप लोग स्वाइप टू सेल यानी जो भी आप लोग डीमेट अकाउंट यूज करते हैं उसमें आप लोग सेल कर सकते हैं मार्केट प्राइस में। अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है, आपका आईपीओ थोड़ा सा फेवर में जाता है, अपसाइड की तरफ में मूव करता है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो फिर आप लोग अपने स्टॉक को यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन कर लेना है यानी टीपिन से आपको ऑथोराइजेशन कर लेना है ताकि आपको यहाँ पे नुकसान से बचा जा सके और आप लोग इंस्टेंट आईपीओ को सेल कर सके। और दोस्तों आईपीओ की लिस्टिंग 9:45 पे होती है, उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट पे लिस्टिंग हुई है। उसके बाद में 10 बजे आप शेयरों को है वो सेल कर सकते हैं, 10 बजे के बाद में आप लोग कभी भी सेल कर सकते हैं। आप लोग अगर उसको होल्ड करना चाहते हैं तो कितने भी दिन आप लोग होल्ड भी कर सकते हैं, ये सवाल भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हम लोग कितने दिन होल्ड कर सकते हैं, कितने भी दिन आप लोग होल्ड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों सिंपल सा आईपीओ को सेल करने का प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।